वो दिन गए जब दुनिया भारत को बेचारा समझती थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का एक स्पष्ट और अडिग रुख है, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों दुनिया के सामने खुले तौर पर निडर होकर रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भी अपने बेबाक अंदाज में नजर आए। दुनिया को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और भारत के अनुरूप व्यवहार करे। रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। जयशंकर ने इस आयोजन में साफ कहा कि भारत अपनी शर्तों पर बाकी देशों से रिश्ते बनाएगा, इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया को खुश रखने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बल्कि दुनिया को ये जानना पड़ेगा कि हम कौन है। इसके अलावा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान, चीन का मुद्दा समेत कई इश्यूज पर अपनी बात रखी। जयशंकर ने बिना कोई लाग लपेट कहे कहा कि दुनिया हमारे बारे में राय गढ़े और फिर हम उसकी इच्छा के अनुरूप फैसले लें, ये जमाना जा चुका है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में वैश्वीकरण का केंद्र भारत ही होगा, यानी दुनिया भारत के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत बेहद मजबूत है और एस जयशंकर जी ने ये जता दिया कि मोदी का नया भारत आंख मिलाकर बात करेगा। जय हिंद।